दोस्तों, फिल्मी दुनिया के इस सफर में आपने हमें और हमारे वीडियोस को काफी प्यार दिया है, जिसके लिए दिल से धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिसने बतौर सहायक अभिनेत्री फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय करके काफी नाम कमाया और अपने चाहने वालों को रोमांचित किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल की मशहूर अभिनेत्री कुनिका के बारे में। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए कुछ समय तक दिल्ली में काम करके उन्होंने अपने करियर को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुंबई का रुख किया, जो फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है। मुंबई आने के बाद उन्होंने कुछ टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया और फिर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी जाने का फैसला किया और 28 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड से डेब्यू किया। वो अक्सर बोल्ड सीन्स और नेगेटिव रोल में दिखाई दे चुकी हैं। आज के समय में वो एक जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी हैं। अभिनय के साथ साथ वो सिंगिंग भी करती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उनके जीवन के इस सफर के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जिसे शायद ही आप जानते होंगे, इसलिए जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। उनका जन्म 27 फरवरी साल 1964 को बॉम्बे यानी वर्तमान के मुंबई शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम कुनिका सदानंद लाल है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही पूरा किया। वैसे उनके हायर स्टडीज के बारे में उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने लॉ की पढ़ाई किया है और वो एक लॉयर भी हैं। उन्हें शुरू से ही अभिनय से काफी लगाव था, इसलिए उन्होंने अभिनय की दुनिया में आने का फैसला किया। अपनी पहली शादी टूटने के बाद उन्होंने अपने अभिनय करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुंबई का रुख किया। वैसे आपको बता दें कि शादी के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। शुरुआत में उन्होंने असरानी की टीवी सीरियल कश्मकश में अभिनय करना शुरू किया। उनके बॉलीवुड करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1988 में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की और मोहन भाकरी द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म कब्रिस्तान में अभिनय किया। इस फिल्म में हेमंत बिरजे, अमजद खान, जावेद खान और रजा मुराद जैसे कई अन्य कलाकार थे। हालांकि फिल्म को दर्शकों द्वारा कुछ खास अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन वो इससे पहले छोटे पर्दे पर काम कर चुकी थी, इसलिए अपनी पहली फिल्म में अभिनय करने के बाद साल 1989 में उन्हें एक और फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला। उनकी दूसरी फिल्म का शीर्षक था मुजरिम, जिसे उमेश मेहरा ने निर्देशित किया था। इसमें मुख्य भूमिका में माधुरी दीक्षित और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दिखाई दिए। इसके अलावा फिल्म में नूतन, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, शरद सक्सेना और जॉनी लीवर जैसे अन्य कलाकार भी शामिल थे, जबकि कुनिका इसमें एक छोटी भूमिका में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें मूवी में क्रेडिट नहीं दिया गया था। फिल्म की कहानी को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही। इतना ही नहीं, फिल्म के गानों को भी काफी पसंद किया गया और इसे हिट फिल्म घोषित किया गया। पिछला फिल्म हिट होने के बाद सभी कलाकारों के साथ उन्हें भी खूब सराहना मिली। उसी साल उनकी तीसरी फिल्म रिलीज हुई, जिसका निर्देशन और निर्माण विमल कुमार द्वारा किया गया था। इस फिल्म का शीर्षक था जैसी करनी वैसी भरनी। अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री किमी कटकर इसमें मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जबकि कादर खान, अशरानी, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, दिनेश हिंगू और राजेश पुरी जैसे सहायक कलाकार भी इसमें शामिल थे, जबकि कुनिका प्यारेलाल की वाइफ की भूमिका में नजर आई। प्यारेलाल का किरदार राजेश पुरी ने ही निभाया था। फिल्म जब रिलीज हुई तब दर्शकों की तरफ से इसे एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी, हालांकि ये हिट के कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाई। दोस्तों, कुनिका के अभिनय को सराहा गया, लेकिन उन्हें सपोर्टिंग रोल से ही संतुष्ट रहना पड़ा। अपनी आने वाली फिल्मों में भी उन्हें सहायक भूमिका ही मिली। इतना ही नहीं, आगे की लगभग अधिकतर फिल्मों में उन्हें नेगेटिव रोल ही मिला। उनकी चौथी और पांचवी फिल्म के रूप में कहां है कानून और सच्चाई की ताकत शामिल हैं। ये दोनों फिल्में भी साल 1989 में ही रिलीज हुई थी। 90 के दशक के उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे बंदरवाजा, दूध का कर्ज, अग्निकाल, थानेदार, बागी अ रिवेल फॉर लव, मजबूर, दुश्मन देवता, आई मिलन की रात, बेटा, खिलाड़ी, आज का गुंडा राज, गुमराह, तड़ी पार, मोहरा, हम है बेमिसाल, बाजी, शस्त्र, ढाल, कोयला, महाराज और दाग दी फायर। 90 के दशक में वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी और दर्शक उन्हें काफी पसंद करने लगे थे। अपनी खूबसूरती और अभिनय के दम पर उन्होंने खुद को काफी फेमस कर लिया था। 2000 की शुरुआत तक उन्होंने ये साबित कर दिया कि चाहे मुख्य भूमिका हो या फिर सहायक भूमिका, दर्शक हर उस कलाकार को पसंद करते हैं जो शानदार अभिनय करने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, साल 2001 आते आते उन्होंने फिल्मों में माँ और आंटी का किरदार निभाना शुरू किया था। साल 2001 में आई फिल्म दिल ने फिर याद किया में वो पहली बार माँ की भूमिका में दिखाई दी। साल 2004 में आई फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं में वो प्रकाश की पत्नी की भूमिका में दिखाई दी। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। इसके अलावा वो कई अन्य फिल्मों में नजर आई, जैसे शादी करके फंस गया यार, पुगली और भोरी। वैसे तो उन्होंने फिल्मों से पहले ही थिएटर और टीवी धारावाहिकों में काम करना शुरू किया था, लेकिन टीवी धारावाहिकों से उन्हें पहचान 90 के दशक से मिलना शुरू हुआ था। 90 के दशक में उन्होंने द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और स्वाभिमान नाम की दो टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया।
साल 2000 आते आते वो कई टीवी धारावाहिकों में शामिल हुईं, जैसे कि टी पार्टी, आशीर्वाद, कोई है और संजोग से बनी संगनी। वो टीवी सीरियल्स में दादी, नानी और माँ का किरदार निभाते नजर आईं। स्वाभिमान में निभाए गए किरदार के लिए वो काफी फेमस है। इतना ही नहीं, साल 2015 में वो मशहूर टीवी सीरियल ससुराल सिमर का में भी दिखाई दी और उसमें उन्होंने ठकुराइन की भूमिका निभाई थी। साल 2018 में वो एक पाकिस्तानी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 में नजर आईं और उसके बाद वो फिल्मों में नहीं दिखाई दी। हालांकि वो साल 2020 में एक वेब सीरीज में दिखाई दी थी। वैसे वो अभिनय की दुनिया से अभी भी जुड़ी हुई हैं। वो कई तरह के सोशल वर्क करती हैं, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना और चैरिटी में पैसा दान करना। इतना ही नहीं, उन्होंने एक सिंगर के रूप में एल्बम भी किया है, जैसे लाखों में एक और जुम्बेश। वैसे अगर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनके दूसरे पति का नाम विनय लाल है। हालांकि दोनों का तलाक हो चुका है। खबरों के मुताबिक उनकी ये दूसरी शादी थी। इससे पहले उन्होंने एक और शादी किया था लेकिन उनकी शादी नहीं टिकी। आपको बता दें कि उनकी निजी जिंदगी काफी दुख भरी रही है। उनकी पहली शादी बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी, लेकिन उनकी पहली शादी लव मैरिज थी। दरअसल अपने पहले पति से उनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। उनका नाम ललित कोठारी है, जो एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे और आरके फिल्म के लिए काम करते थे। एक दूसरे को पहली ही नजर में देखने के बाद दोनों ने करीब 2 महीने तक एक दूसरे को डेट किया और फाइनली 2 महीने बाद शादी कर लिया। उनके पति उनसे करीब 9 साल बड़े थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। उनकी इच्छा थी कि उनकी शादी एक जॉइंट फैमिली में हो और ऐसा ही हुआ। लेकिन उनकी शादी अधिक समय तक नहीं चली, यहाँ तक कि उनका एक बच्चा भी हुआ। फिर भी कुनिका और उनके हस्बैंड के बीच रिश्ते सही नहीं हुए। करीब 2.5 साल बाद दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। तलाक के बाद उन्होंने अपने बच्चे को अपने पास रखा, लेकिन 8 साल उन्होंने अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए लीगल केस लड़ा। आखिरकार उन्होंने खुद ही हार मान लिया और उनकी बेटी की कस्टडी उनके एक्स हस्बैंड के पास चली गई। दोस्तों, अपनी पहली शादी टूटने के बाद ही उन्होंने मुंबई जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने और अभिनय करियर बनाने का फैसला किया था। वहां जाने के कुछ समय बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी और उन्होंने अपने आप को प्यार करने का एक और मौका दिया, लेकिन ये रिश्ता भी अधिक समय तक नहीं चल पाया। फिर साल 1993 में वो प्लेबैक सिंगर कुमार सानू की जिंदगी में आई, जहां वे खुद अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान नजर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, लेकिन ये रिश्ता भी अधिक नहीं चला। इन सभी घटनाओं का उनके ऊपर काफी गहरा असर पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अभिनय के साथ वो सोशल वर्कर के रूप में सामाजिक काम करने लगी और इससे उन्हें काफी सुकून मिलने लगा। उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम अरिहंत है जो उनके पहले पति से हुआ था, जबकि दूसरे बेटे का नाम करण है जो उनके दूसरे पति से हुआ था। उनके पिता एयरफोर्स में एक कर्मचारी थे जिनका नाम सदानंद था और वे साउथ इंडियन थे, जबकि उनकी माँ एक पंजाबी थी। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके भाई का नाम कबीर सदानंद है, जो एक एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, जबकि उनकी बहन का नाम शिवानी तिजोरी है और वो एक फैशन डिजाइनर है। उनके पति का नाम दीपक तिजोरी है, जो 90 के दशक में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने माने अभिनेता थे। फिलहाल वो एक डायरेक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनकी समारा तिजोरी नाम की एक बेटी है, वो भी एक अभिनेत्री है और वो टीवी शो मासूम में नजर आ चुकी हैं। दोस्तों, उन्होंने भले ही अपनी निजी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसका असर उन्होंने कभी अपने अभिनय करियर पर नहीं पड़ने दिया। आज उनकी उम्र 59 साल है, लेकिन अभी भी वो अभिनय की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद है आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।